गुडो, व्हाट इज दिस? कार के पीछे क्या है? हेलो एंड वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया. होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. हम हैं बथा में, जो कि रियाद में है, बहुत ही फेमस है. और आज मैं आपको बथा का टूर देने वाली हूँ. ऑलरेडी मैंने बथा मार्केट पर वीडियो बनाया हुआ है. आज फिर से बनाऊंगी. बथा के गोल्ड मार्केट के बारे में भी बताऊंगी आप सबको. गोल्ड मार्केट की गलियों में, बथा की गलियों में भी ले जाऊंगी. तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है बथा का एरिया. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉप्स लगे हुए हैं और इस तरीके की बिल्डिंग बनाई हुई है और इस पे लिखा हुआ है अल बथा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं बथा का सारा एरिया स्टार्ट हो जाता है. ये हम फ्लाईओवर पर है. बथा एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग हब है, जहाँ पर हमें सारी ही काम की आने वाली चीज़ें एक ही एरिया में मिल जाती है. यहाँ पर है ढेरों शॉप्स. यहाँ पर हम जाने से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर इतने सारे शॉप्स हैं. हम जो है सारा दिन अगर गुजर जाए तब भी हम सारे शॉप्स पर विज़िट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर ढेरों स्ट्रीट शॉप्स भी है और यहाँ पर कंपैरेटिवली मॉल्स से थोड़ा सा कम प्राइस में भी हमें मिल जाता है. बारगेनिंग आनी चाहिए. फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पर राइट साइड में दिखता है ये लुलू. तो ये जो है लुलू सुपर मार्केट है. यहाँ पर बथा का ब्रांच है. ये प्लेस फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में यूज़ करने वाले सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं इजीली. वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया है बथा रियाद में. इंडिया हैदराबाद में जैसे ओल्ड सिटीज़ होते हैं, तो रियाद का, सऊदी अरब का ओल्ड सिटी है बथा. तो ये एक और फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से हम नहीं गए हैं, इसके नीचे से ही हमें यू टर्न लेना है. हम हैं मेन रोड पर. तो रोड से दोनों ही साइड अंदर जाने पर हमें मिलता है बथा मार्केट. और ये हमने ले लिया है राइट टर्न. आगे है ये राउंड जो बिल्डिंग दिख रही है, ये पार्किंग के लिए अलॉटेड है. ये नेस्टो का पार्किंग एरिया है. बाकी कोई भी यहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं अगर पार्किंग नहीं मिलती है तो, और पर आर के बेसिस पर पे कर सकते हैं. और ये है बथा का नेस्टो हाइपर मार्केट ब्रांच. मैंने नेस्टो पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रेन मॉल अजीजिया का, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं. एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी. और ऊपर है पार्किंग के लिए ये सारा एरिया. तो हम यहाँ पर जो है कार पार्क कर देंगे और जाएंगे हम अंदर. तो इस तरीके से हमें बाई वॉक ही इन गलियों में जाना होता है क्योंकि बहुत सारे शॉप्स हैं, गलियाँ भी छोटे होते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी नहीं लाया जा सकता. और हम चलते हुए ही सारे जो शॉप्स हैं उन्हें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. सारी चीज़ें जो हमें लेना हो तो वो हमें बाई वॉक ही अच्छे से देखने को मिल जाती हैं. बथा मार्केट में हमें छोटी से लेकर बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं. जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, दूसरी जगह नहीं मिलती है, वो बथा में ढूंढने से मिल ही जाती है. यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानीज, यमनी, बांग्लादेशी शॉप्स लगाए हुए हैं. इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक विंटर वेयर जैकेट्स का शॉप है. तो यहाँ पर जो है सारे ये विंटर कलेक्शंस हैं लेडीज़ के, बच्चों के लिए. और यहाँ पर है ये खिलौनों का शॉप. तो हमें यहाँ पर कई सारे ढेरों शॉप्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, रेडीमेड ड्रेसेस हो या फिर ड्रेस मटेरियल्स हो या फिर हमें शूज़ लेना हो. ये देखिए यहाँ पर शूज़ रखे हुए हैं. और चलिए मैं अभी आपको बता दूंगी यहाँ पर गोल्ड मार्केट. तो रोड के उस साइड क्रॉस करने पर हमें दिख जाएगा सारा गोल्ड मार्केट एरिया. ये है सारे गोल्ड शॉप्स. यहाँ पर मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखा देती हूँ. ये रिंग डिज़ाइंस है. तो सऊदी अरब के बथा मार्केट में हमें इस तरीके के डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे. और यहाँ पर है कुछ ब्रेसलेट्स.
तो छोटे बड़े अलग अलग डिज़ाइंस के हमें ज्वेलरीज मिल जाते हैं, गोल्ड मिल जाते हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं कंगन, ब्रेसलेट्स, कड़े, यहाँ पर है कुछ नेक पीसेस, नेकलेसेस, और ये है सारा शॉप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पास पास में लगे हुए शॉप्स मिल जाते हैं ढेरों, बहुत सारे गोल्ड के शॉप्स हैं, हमको डिज़ाइंस भी ऑप्शंस भी कई सारे मिल जाते हैं। ये देखिए जैसे कि स्टॉल्स होते हैं छोटे छोटे, उसी तरीके से गोल्ड के शॉप्स हैं बिल्कुल लगे हुए स्टॉल्स की तरह। वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। कई सारे लोग यहाँ पर आकर गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस, वैरायटीज, डिज़ाइंस कई सारे देखने को मिल जाते हैं। ये जो है गोल्ड मार्केट का सारा एरिया है जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ढेरों शॉप्स गोल्ड के, और ये देखिए कई सारे कस्टमर्स यहाँ पर हमेशा ही रहते हैं। तो हमें गोल्ड का कोई ज्वेलरी बनवाना हो, एक्सचेंज करना हो या फिर कुछ रिपेयर करना हो तो यहाँ पर आया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बांग्लादेशी शॉप, गोल्ड शॉप है, इस तरीके से हमें यहाँ पर यमनी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सऊदी के जो लोगों के शॉप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे स्टॉल्स हैं, तो इस तरीके से हमें लेडीज़ भी मिल जाते हैं जो कि बैठे हुए रहते हैं रास्ते पर और ये सामान बेचते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि स्ट्रीट मार्केट्स में होता है वैसे ही हमें बथा मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की है यहाँ के जगह की सीलिंग, और आप देख सकते हैं सारे शॉपकीपर्स ने अपने शॉप्स कर दिए हैं क्लोज क्योंकि अभी सलाह नमाज का टाइम है, तो 15 मिनट्स के लिए यहाँ पर हो जाएंगे सारे शॉप्स क्लोज और हमें करना होगा वेट। सारे शॉप्स अब खुल गए हैं। ये देखिए एक स्टॉल में इस तरीके के जो नोज पिंस होते हैं ये वही बता रहे हैं, और ये है कुछ और शॉप्स। तो एन नंबर ऑफ गोल्ड शॉप्स है यहाँ पर। कभी कभार ऐसी भी न्यूज़ आती है कि बथा मार्केट के गोल्ड फेक होते हैं, तो हमें स्मार्ट बायर बन के सब कुछ देख परख कर ही शॉपिंग करनी है चाहे हम कहीं से भी शॉपिंग करें। तो ये देखिए यहाँ पर परफ्यूम्स के शॉप्स मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक्स के शॉप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ कपड़े। इस शॉप में हमें बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, जैकेट्स हैं विथ लोअर्स के साथ हैं ये, तो ये 30-35 रियाल्स में हमें ये मिल जाएंगे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ का सारा कलेक्शन, और नाइटीज़ हैं यहाँ पर, कॉटन के डेली वेयर के नाइटीज़ हैं, और यहाँ पर है कुछ कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, लोशंस, क्रीम्स, हेयर ऑयल। तो जो भी इंडिया जाने वाले लोग होते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो वो लोग बथा ज़रूर आते हैं यहाँ पर से शॉपिंग करते हैं, अपने घर जब जाते हैं अपने घर वालों के लिए। ब्लैंकेट्स स्पेशली यहाँ के ज़्यादा मशहूर होते हैं, ट्रैवलर्स यहाँ पर लगेज बैग खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। ये देखिए कुछ और जेंट्स के टी शर्ट्स हैं, तो सीज़न के अकॉर्डिंगली ये लोग कलेक्शंस चेंज करते रहते हैं, तो हमें अप टू डेट जो कलेक्शन है देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर है कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स। हम आए थे शाम को, अब हो चुकी है रात। तो ये है सारा बथा मार्केट का एरिया, बथा मार्केट की गलियाँ, गोल्ड मार्केट शॉप्स।
आज वीकडे में आए हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बाकी वीकेंड्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, स्पेशली ऑन फ्राइडेज़। ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद हम बथा मार्केट विजिट करने आए थे। लॉकडाउन के बाद पहली बार आए हैं और यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह ही है। अब हम जा रहे हैं वापस और मैं वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।